module 2 developmental milestones if we talk about the developmental milestones we need to be understand what actually developmental milestones are developmental milestones are those things or those tasks which we assume that child can attain at the certain age of their life if they are unable to attain that task during their lifetime period that's mean they have delayed in their milestones. So, for example, uh, if we want to be explained developmental milestone, we categorize them in five broader domain. Number one, social. Number two, self-help. Number three, gross motor. Number four, fine motor. Number five, language. So if you see on this chart you can see that there is a column in which i have mentioned the age birth and then there are five other columns in which you have seen these five categories so in the age of one to six months the child is able to do the social smile distinguishes mother from other so socially when we talk that the interact kar sakta hai, Uh, अपनी मदर से और लोगों को जो स्माइल पास करने की एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है वन टू तो सिक्स मंथ में दैट्स मीन कि वो बच्चे जो कि एक से छः महीने के अंदर अगर ये वाला फंक्शन uh, नहीं प्रेजेंट कर रहे तो दैट्स मीन कि वो सोशली डेवलपमेंटली डिलेड हैं इसी तरह जब हम सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो वन टू तो सिक्स मंथ के अंदर अ चाइल्ड इज एबल

इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर की तो सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ग्रॉस मोटर है क्या चीज़ ग्रॉस मोटर में बेसिकली इज़ द एबिलिटी जिसके अंदर द चाइल्ड इज़ एबल टू यूज़ ऑल द बेसिक मसल्स यानी वो उठ सकता है बैठ सकता है भाग सकता है तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं अगर वो ग्रॉस मोटर स्किल्स उसके एक से छ महीने के दरम्यान ये उसकी एबिलिटी है कि वो अपना लिफ्ट कर सकता है हेड चेस्ट लिफ्ट कर सकता है लाइंग ऑन स्टमक कर सकता है टर्न्स अराउंड कर सकता है वन लाइंग ऑन स्टमक अगर तो वो ये सारा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्टोन अप्रोप्रिएट हैं लेकिन अगर वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा एक से छः महीने के दरमियान तो इसका मतलब है कि उसके डेवलपमेंटल माइल स्टोन डिलेड हैं इसी तरह जब हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वन द चाइल्ड इज एबल टू यूज द स्मॉलर मसल्स ऑफ द बॉडी लाइक जिस तरह हाथ के जो मसल्स हैं ग्रिप करना पेंसिल को ग्रिप करना बॉल को कैच करना दीज आर ऑल थिंग्स आर क्लासीफाइड इन द फाइन मोटर स्किल्स तो अगर वन से सिक्स मंथ के दरम्यान हम देखें तो वो चाइल्ड इज एबल टू डू लुक्स एट एंड रीचे फॉर द फेसिस एंड द टॉयज पिक्स अप टॉय विद वन हैंड अगर कोई बच्चा जो है वो एक से छः महीने के दरम्यान ये टास्क अप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा So that's mean that the child has that developmental delay. Similarly, in the ma in between one to six months, a child is able to react to voices like coos, chuckles, voices, vocalize spontaneously. Socially, he or she is able to perform these things. Or if he is not able communicate language, bubbles, he not communicate Uh, किसी किस्म का साउंड आर्टिकुलेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो डेवलपमेंटली डिलेड है अब ये मैंने आपको बताया वन टू सिक्स मंथ के दरम्यान में अगर आप इसी तरह देखें तो ये जो आपके सामने चार्ट है इसमें आगे डिस्क्राइब है कि सेवन टू नाइन मंथ्स में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है देन टेन टू ट्वेल्व मंथ्स में कौन कौन सी कर सकता है देन थर्टीन टू ट्वेंटी फ़ोर मंथ्स में कौन कौन सी कर सकता है इफ़ द चाइल्ड इज एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स तो हम कहते हैं कि उसके डेवलपमेंटल माइल जो हैं वो एज अप्रोप्रिएटली अचीव्ड हैं और अगर वो ये सारे माइल नहीं अचीव कर पा रहा या इनमें से कुछ नहीं कर पा रहा तो हम कहेंगे कि उसको डेवलपमेंटल डिलेड है अगर वो ये माइल अचीव नहीं कर पाएगा देन द चाइल्ड माइट हैव एक्सिबिट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को डीएसएम फाइव में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तौर पर क्लासिफाई किया गया है थैंक यू